रामचरित मानस में लिखा हाँ है अधम ते अधिनारी मत मत मंद मंद गंवारी ये औरतें जो है नीच से नीच महा नीच है लेकिन इन कमीनों से पूछो ये बोलने वाले कोई आसमान से गिरा है सब औरत से पैदा हुई है कि नहीं पैदा हुई की आसमान से गिरे हैं नहीं वो तो वो लोग तो मुख से पैदा हुए हैं कौन अच्छा एक बात बताइए पूरी सृष्टि का नियम है दो के मिलने से तीसरा पैदा होता है औरत मर्द के मेल से बच्चा पैदा होता है लेकिन पैदा होता औरत से पुरुष से कहीं पैदा नहीं हुआ अगर पुरुष से बताया गया तो ये गप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं इनका मोहन भागवत कहता है की हिंदू न कोई जाति है न कोई धर्म है तो है क्या ये लुटेरों की संस्कृति है डकैतों अपराधियों की संस्कृति कायम करना चाहते का देश बचेगा इतना आसान है और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं ये का समय नहीं है ये विज्ञान का समय है पूरी दुनिया की निगाह भारत पर है वो तो बनाना हुआ तो एक बैग तीन भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश और तीनों की पत्निया बना दिया तीनों के और बच्चे बना दिया और तीन भगवान से भी काम नहीं चला तो तेरा भगवान और बना दिए राम है कृष्ण है नारद है फल है फिर मनुष्य के रूप में भगवान बनाया तो जानवर में भगवान बना दिया ये सुअर भगवान है और जानवर के बाद तो फिर कीड़े मकोड़े जो हैं नदी में पानी में रहने वाले जितने हैं उसमें ये कच्छा भगवान है ये सांप भगवान है ये मछली भगवान है ये चाइना भारत से दो साल बाद में आजाद हुआ पूरे विश्व का एक शक्ति बन गया ना और भारत एक ऐसा अनोखा देश जहाँ जलवायु खनिज संपदा और तीन तरह का मौसम गर्मी बरसात ठंडा के तीन तरह का मौसम होता है और इतना संपन्न प्राकृतिक संपदा से इतना संपन्न देश ये बार बार ये गुलाम क्यों हो जाता है संविधान अगर सुरक्षित नहीं है तो देश कहाँ सुरक्षित है अब जो लोग इस अहंकार में है की हम संविधान को खत्म करके देश में अपना शासन कर लेंगे वो बृहदर्थ मौर्य का समय नहीं है आज विज्ञान का समय है संविधान की अपने बात कहा हाँ अभी टीवी चैनल पे बहुत बड़े बड़े संत को बैठाया जा रहा है और वो कहते हैं कि संविधान से आज तक न किसी का भला हुआ है और न कभी भला होगा और ये संविधान से देश कभी भी हिंदू राष्ट्र भी नहीं बनेगा और और वो एग्जाम्पल देते हैं कि बाबा साहब ने खुद इस बात को कहा था कि इस संविधान से समाज का भला नहीं होने वाला है अगर मुझे अवसर मिले तो मैं इस संविधान को जलाने वाला पहला व्यक्ति हूँगा वो लोग इस बात को कहते तुलसीदास ने जो पुस्तक लिखा रामचरित मानस तो उसका उद्देश्य पहले तय कर दिया कि सुनहले भारत का विनाश कैसे हो सकता है इसके लिए पंडित तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना की तो इनका मोहन भागवत अभी देखो बयान आया कि हमारे पूर्वजों ने जो गलती कर दिया उसको छोड़ दीजिए अगर गलती कर दिया छोड़ दीजिए तो आप ऐलान करो की जितने वेद पुराण स्मृति रामायण गीता महाभारत जितनी पुस्तकें हैं ये सब को देश के ब्राह्मण जला जलादे क्यों नहीं ऐलान करता है वो बकवास करता है अभी बिहार का चुनाव हुआ था 2015 में तब इसने बयान दिया आरक्षण खत्म होगा और उसके बाद जब समीक्षा किया तो फिर आरक्षण के पक्ष में बोलना शुरू किया ये गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं क्या सच में रामचरित मानस वन चौक थॉट मनो विवादित ग्रंथ थे हेलो फ्रेंड्स मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अजय संघ ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं साथियों अभी हम इस वक्त अंबेडकर नगर में हैं उत्तर प्रदेश में यहाँ पे अर्जक संघ का एक कार्यक्रम किया गया जहाँ पे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात हुई सभी लोगों ने अपना अपना विचार दिया अर्जक संघ को कैसे आगे बढ़ाया जाए कैसे अपने समाज में अंधविश्वास पाखंड को दूर किया जाए ताकि एक बेहतर समतामूलक समाज बनाया जा सके इसी बीच हमारे बीच एक गार्जियन है मैं इनसे काफ़ी प्रभावित हुआ इनका कल प्रवचन चल रहा था और यहाँ पर अपना भी विचार ये प्रकट कर रहे थे तो काफ़ी अच्छी अच्छी बात इन्होंने कही तो जो कहीं ना कहीं समाज से अंधविश्वास पाखन को उखाड़ने वाली बात है और वो तर्क तर्क पर आधारित है और अगर वो समाज में लागू किया जाए तो कहीं ना कहीं अपना समाज दिन दुनी रात चौगनी विकास कर सकता है तो आइए इनसे कुछ प्रश्नों के साथ कुछ सवालों के साथ जानने से पहले इन्हीं से एक छोटा सा परिचय ले लेते हैं सर आप अपना एक छोटा सा परिचय दे पहले हम संत निर्मल साहब जिला सिवान बिहार से आए हैं जी और कबीर पंथ के संत हैं और बिहार से लेकर केरल तक तमाम प्रदेशों में हम कार्यक्रमों के माध्यम से बात रखते हैं जी। और उसका उद्देश्य है कि भारतीय संविधान लोकतंत्र और मानवता पर आधारित जो सत्य विचार है जो मानव के लिए कल्याणकारी है उस पर हम बराबर बात रख रहे हैं और समाज को सचेत करने के लिए जागरूक बनना बनाने के लिए हमारा बराबर प्रयास है जी बहुत अच्छा लगा सर आपसे मुलाकात हुई और जिस तरीके से आप अर्जक संघ के लिए काम कर रहे हैं अर्जक संघ ही नहीं बल्कि अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं ताकि अपने समाज से दिन दुनी रात चौगुनी विकास करे समतामूलक समाज बने अंधविश्वास पाखंड जाए ये मेन उद्देश्य होता है तो अभी कुछ दिन पहले एक विवाद छिड़ी थी बिहार के उत्तर बिहार के जो है शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने एक बयान दिया था जिसमें ये कहा था कि मनुस्मृति रामचरित्र मानस और बंच ऑफ थॉट ये जो तीन ग्रंथ है वो नफरती ग्रंथ है और समाज में नफरत पैदा करती है तो इस पर काफ़ी सारा विवाद हुआ काफ़ी विरोधाभास हुआ काफ़ी सारे बाबाओं ने जीव काटने गर्दन काटने तक की बात कही नाक काटने तक की बात कही और कहा कि ये हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म पे ये उस पर प्रहार किया गया है हमारे भावना को आहत किया गया है ये तमाम चीज़ हुई काफ़ी सारा मीडिया इस पर डिबेट की तो आप क्या मानते हैं कि चंद्रशेखर जी ने जो बयान दिया क्या सच में रामचरित मानस वंच ऑफ थॉट मनुस्मृति विवादित ग्रंथ है आप इस पर अपना प्रतिक्रिया दें देखिए मनुस्मृति और रामचरित मानस जो पुस्तक है वो संविधान विरोधी है मानवता विरोधी है पुस्तक है और उसका प्रचार होने से देश में नफरत ही पैदा होगा इसलिए जो उन्होंने कहा मंत्री जी ने वो सही कहा इस पर तत्काल प्रतिबंध लगना चाहिए और इसके पूर्व महामना रामस्वरूप वर्मा ने अर्जक संघ के माध्यम से उन्नीस में भारत सरकार को नोटिस देकर उन्होंने मांग किया था कि 13 अप्रैल तक अगर ये पुस्तक मनुस्मृति और रामचरितमानस मानस जब्त तो नहीं अगर सरकार करती है तो 14 अप्रैल से तीस अप्रैल तक हम चेतना दिवस के रूप में डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन पर हम होली जलाएंगे और तेरह अप्रैल तक जब सरकार ने जब्त तो नहीं किया तो चौदह अप्रैल से तीस अप्रैल तक उत्तर प्रदेश बिहार में तमाम जगहों पे होली जली पुस्तकों को जलाए लोगों ने तमाम गिरफ्तारियां हुई मुकदमे कायम हुए जेल में लोग गए और उस पर आज तक सरकार ने कोई उस पर सुनवाई मैंने कोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं की इसका मतलब सरकार ने मान लिया कि संविधान विरोधी पुस्तक है मानवता विरोधी पुस्तक है और इस पर जो विवाद चल रहा है ये जो लोग उसके विरोध में मंत्री जी के विरोध में या और जो लोग बोल रहे हैं उनके विरोध में जो साधु संत या आर के लोग मोहन भागवत ये सारी जो बात कर रहे हैं ये सब गलत बोल रहे हैं ये इनको ये मान लिया जाए कि संविधान विरोधी हैं राष्ट्र विरोधी हैं मानवता विरोधी हैं अब आप ये देखिए कि जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं सब काल्पनिक है जबकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय बहुत पहले निर्णय दे चुका है कि रामचरित काल्पनिक ग्रंथ है इसको किसी भी रूप में सत्य ये साबित नहीं होता ये मानवता का विरोध है इसलिए उस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और फिर ज़बरदस्ती बेशर्मी से रेडियो स्टेशन से टेलीविज़न से समाचार पत्रों के माध्यम से रामचरितमानस का जो प्रचार हो रहा है ये बहुत ही गलत है और हमारा मानना है हमने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र भेजा था 2017 में 21 जनवरी को और उसमें बासठ पेज का पत्र हमने भेजा जिसमें सत्तावन पेज का एक और चार पेज पर शिक्षा की शिक्षा व्यवस्था पर शिक्षा नीति पर हमने लिखा था कि गलत शिक्षा नीति के आधार पर जो देश में शिक्षा की व्यवस्था दी जा रही है भारत के पतन का कारण यही है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि सही क्या है क्या गलत है जो भी किसी ने लिख दिया उल्टा पलटा उसी को मानते जा रहे हैं उसमें हमने वो लिखा और ये भी लिखा रामचरित मानस और ये नरेंद्र मोदी जी जब थाईलैंड और जापान जैसे बौद्धिस्ट देशों में जाते हैं तो एक तरफ कहते हैं कि हम बुद्ध भारत से बुद्ध का संदेश लेकर आए हैं तो ये कह के भारत का सम्मान बढ़ाते हैं दूसरी तरफ महाभारत गीता और रामचरित मानस जैसी संविधान विरोधी जो पुस्तक है उसको वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों को पेश करके भारत का अपमान भी करते हैं ये हमारा कमेंट है और उसमें यह है कि हमने उसमें लिखा कि आपने रामचरित मानस पढ़ा नहीं भागवत पढ़ा नहीं गीता पढ़ा नहीं आप प्रधानमंत्री हो के आपने ये कितना गंदा काम कर दिया आपको ये काम नहीं करना चाहिए आप देश के प्रधानमंत्री हैं देश में हर तरह के लोग हैं ये जो जो धर्म के रूप में चला रहे हैं उनकी वो अपना चलावे क्या करें क्या नहीं लेकिन प्रधानमंत्री तो देश का है उसको देश के हिसाब से काम करना चाहिए देश के शिक्षा सुरक्षा न्याय व्यवस्था के संबंध में काम करना चाहिए तो ये सारी चीज़ हम तो दे दिए और ये हमारा मानना है और उसमें हमने लिखा कि तुलसीदास ने जो पुस्तक लिखा रामचरित मानस तो उसका उद्देश्य पहले तय कर दिया कि सुनहले भारत का विनाश कैसे हो सकता है इसके लिए पंडित तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना की और उसमें देखिए उसको पढ़ने वाला हमारा मानना है जिस गांव के लोग जिस परिवार के लोग जिस समाज और देश के लोग रामचरित मानस को ईमानदारी से स्वीकार कर लेंगे तो उस देश में तीन तरह की घटना उस गांव समाज में घर में तीन तरह की घटना होना निश्चित है वो हम नहीं कह रहे हैं रामचरित में पूरा विवरण है एक तो भाई भाई में लड़ाई शुरू हो जाएगी रावण विभीषण भाई, भाई भाई थे सुग्रीव बाली भाई, भाई भाई थे ये आपस में इनका विरोध हुआ लड़ाई हुई और राम और सीता पति पत्नी थे राम ने सीता को घर से निकाल दिया बाग तुमको नहीं रखेंगे फिर तीसरी लड़ाई बाप बेटा की लड़ाई राम और लौकुश बाप बेटा थे और ये दोनों आमने सामने लड़ाई में हुए और उसके बाद अंत में तुलसी ने लिखा है उसी रामचरित मानस में कि राम अपने पूरे परिवार दशरथ तो पहले मर गए थे लेकिन जो बचे कुछ थे वो अपने परिवार और भक्त मंडली विभीषण सुग्रीव अंगद हनुमान नल नील जामवंत ये सब जाके सरजू नदी में डूबकर आत्महत्या कर, कर लिए ये रामायण का निचोड़ है बाकी कहीं कुछ नहीं है इस पुस्तक को अब जब पंडित तुलसीदास ने हिंदी में लिखा और उसमें लिखा पहले संस्कृत में लिखा है कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल महात्मूर्ति मैं उसका अर्थ है कि मैं अपनी आत्मा की शांति के लिए रघुनाथ की गाथा लिख रहा हूँ गाथा माने होता गप लिखने वाला कह रहा है मैं गप मार रहा हूँ पढ़ने वाले बेवकूफ़ जो हैं कहते हैं धर्म ग्रंथ है ये कितने बड़े मूर्ख हैं या तो ये मूर्ख हैं और देश के लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हैं तो इसलिए उस पुस्तक का और इसके बाद देखिए कि वो हिंदी में लिखा गया है तब तो पहले ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा तब उसने कहा अरे भाई हमारी भी सुन लो तब लोगों ने कहा नहीं तुम्हारा क्या सुने तुमने तुम्हारा व्यवस्था सब संस्कृत में हम आपस में बात कर लेते तो ये सबको पढ़ाने के लिए हिंदी में लिख दिया तो फिर उसके बाद किसी एक बुजुर्ग ने कहा कि अरे भाई अरे उसकी भी सुन लो तो उसने कहा, कहा होगा कि भाई जब पूछा कि भाई हाँ बोलो कहीं कि देखिए इस पुस्तक को जितने ज़्यादा पूरे देश के अंदर प्रचार करोगे तो उतने ही पूरे देश के लोग बिना मारे मर जाएंगे आपस में लड़ेंगे कटेंगे मरेंगे इनके अंदर मानवता और भाईचारा कभी कायम हो ही नहीं सकता है क्योंकि उसी फार्मूले पे ये किताब लिखी गई है तब तुलसी की बात सुनकर तब ब्राह्मणों को ये हुआ कि नहीं ये तो बहुत बढ़िया किताब है तब वो प्रचार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे दिया कि संविधान विरोधी पुस्तक है मानवता इससे नहीं पनप सकती और भारत का संविधान कहता है उसमें मौलिक कर्तव्य की धारा इक्यावन ये में स्पष्ट गाइडलाइन है कि भारत के हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है कि देश से ढोंग पाखंड आडम्बर और चमत्कार का पर्दा कर तर्क और वैज्ञानिक चिंतन पर आधारित मानववाद का विकास करें तो देश का हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है लेकिन ये जो मूर्त पूजा चलाने वाले लोग हैं फोटो आरती पूजा हो कबर पूजा कर रहे हैं ये सब संविधान के विरोधी हैं ये मानवता के विरोधी हैं इससे कहीं विवेक जागृत नहीं हो सकता और मनुष्य और जानवर में अंतर क्या है मनुष्य का बच्चा पैदा हो पानी फेंक दो वो डूब के मर जाएगा जानवर का बच्चा पैदा हो पानी में फेंक दो तैरना शुरू कर देता है गाय भैंस के बच्चे को आप देख लीजिए दूसरी तरफ आप देखिए जानवर का बच्चा पैदा होता है गर्भ से बाहर निकलने के दो चार पाँच मिनट वो खड़ा हो जाता है लेकिन मनुष्य के बच्चे को खड़ा होने में बारह सोलह अठारह बीस चौबीस महीने लग जाता है और मनुष्य के बच्चे का एक एक दिन पालन पोषण होता है खिलाया पिलाया जाता है सेवा किया जाता है हम तो कहते हैं भाई आप अकल लगाओ अगर आप मनुष्य हैं तो आपको अकल लगाना पड़ेगा अगर आप मनुष्य नहीं हैं अपने को मनुष्य नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं है अब आप पूरी सृष्टि के अंदर चार तरह के जीव हैं एक तो मनुष्य है दूसरा पशु है तीसरा पक्षी है चौथा कीड़े मकोड़े हैं ऐसा नहीं किसी जीव के पास ज्ञान नहीं ज्ञान सबके पास है अंतर यह है कि मनुष्य को छोड़कर बाकी जितने जीव हैं वो सहज ज्ञान के आधार पर अपना जीवन चला रहे हैं आदिकाल से लेकर आज तक पशु पक्षी कीड़े मकोड़े अपने कार्यों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं कर सके भूख सबके अंदर है भूख की पूर्ति के लिए वो दौड़ रहे हैं कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी सब भूख के शांति के लिए दौड़ रहे हैं और मनुष्य जो है वो भी अपनी भूख और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आदिकाल से लेकर एक एक बात की जानकारी खोजते खोजते आज इस मुकाम पर तो तक पहुंच गया है आप बहुत दूर न जाइए आज के पचास साठ साल पहले जब माचिस का आविष्कार नहीं हुआ था तो गांव की महिलाएं शाम होते होते दूसरे के घरों में जाती थी जहां आग जलाया रहता था कहती थी चाची आग दे दो दादी आग दे दो बहनी आग दे दो आज जब माचिस का आविष्कार हो गया कोई किसी के मांगने जाता है नहीं मांगता है तो ये विज्ञान का विकास है ज्ञान पूरी दुनिया पहले अज्ञान पर लंबे समय तक चलती रही एक एक बात की जानकारी करने में उसको सौ सौ दो दो सौ पाँच पाँच सौ हज़ार हज़ार वर्ष बीतते गए और अज्ञान से चलने के बाद फिर दुनिया के लोग ज्ञान पर चलने लगे और आज लगभग छः सौ वर्षों से पूरी दुनिया के लोग धीरे धीरे करके विज्ञान पर चलने लगे ये जितने टेक्नोलॉजी विकास हुआ है जितना मकान एक पहले आदमी छप्पर का मकान बनाया फिर एक खपड़ैल का बनाया फिर पक्का बनाया अब आप, आप देखिए विज्ञान के माध्यम से 10, 10, 20, 20, 30, 30 मंजिले का मकान बना रहा ये सारी प्रक्रिया है ये विज्ञान की देन है और ये जो साधु संत और महात्मा जो अपने को क्या कहते हैं आचार्य या शंकराचार्य ये शंकराचार्य और नहीं ये सब बदमाश हैं ये समझो अपराधी हैं ये मानवता के विरोधी हैं ये विवेक के दुश्मन हैं अकल के दुश्मन हैं और हम तो कहते हैं भाई चैलेंज के साथ में आप सर करो बहस करो सच्चाई प्रकृत सत्य के विपरीत जितनी भी बातें किसी ने कहा हो प्रकृत सत्य के विपरीत जो भी बातें कही गई हैं वो सारी बात सब झूठी है किसी ने कहा हो किसी ने किताब लिखा हो सब गप है झूठी बात है और आप देखिए हम कबीर पंथ के संत हैं कबीर साहब की एक साखी है कि जहिया कीर्तन ना आता धरती हती न नीर उत्पत्त पर लेना हती तब की कहें कबीर कबीर साहब मानव समाज से पूछते हैं कि ये बताइए ये संसार में जब आप जी रहे हैं ये मान लीजिए संसार नहीं था पृथ्वी नहीं थी पानी नहीं था इसके अंदर दो जो दो क्रिया बन रही है बनना और बिगड़ना ये नहीं था तो आप बताओ आपका माना हुआ वेद पुराण स्मृति रामायण गीता महाभारत कुरान बाइबल त्रिपटक के कहाँ थे ये सब मनुष्य का लिखा हुआ है कोई भगवान का लिखा हुआ नहीं है हाँ इतना अंतर है कि ईमानदार व्यक्ति ने मानव समाज की भलाई के लिए ईमानदारी से पुस्तक लिख दिया और बेईमान आदमी ने बेईमानी से तमाम बकवास लिख दिया मनुष्य का शोषण करने के लिए उसको गुलाम बनाए रखने के लिए ये तरह तरह का वो अपना हथकंडा अपना लिया तो कबीर साहब कहते हैं जांचो और परखो जो सत्य लगे उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो मनुष्य अगर आप हैं तो विवेक का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा कदम कदम पे आपको विवेक का अकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा और एक चीज़ देखिए बीस साल पच्चीस साल का जवान है उसको पानी में इस पार से उस पार जाना हो अगर तैरने की कला नहीं सीखेगा और सीखने के लिए अकल लगाना पड़ेगा तैरने की कला अगर उसने नहीं सीखा तो क्या इस पार से उस पार जा पाएगा वो डूब के मर जाएगा और भारत का संविधान कहता सत्य में वो जैते तो सत्य में वो जैते से देश चलेगा झूठ में वो जैते से नहीं चलेगा पाखंड में वो जैते से नहीं चलेगा आडम्बर ढोंग और चमत्कार ये झूठी बातों से देश नहीं बचेगा और जो संविधान निर्माता थे या जो कमेटी थी जिन लोगों ने पास किया वो मूर्ख थे वो ज्ञानी लोग थे उस वक्त काल परिस्थितियों में उन्होंने संविधान बनाया उसमें लिखा सत्य में वजह भारत सरकार का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है कि नहीं है और अशोक चक्र है अशोक की लाट है पूरे दुनिया में भारत को को बहुत मजबूत स्थिति में दिखाने के लिए कि आने वाले दिनों में हम आज़ाद हुए हैं तो देश बहुत मजबूत भारत बनेगा विश्व की अजय शक्ति बनेगा इस कल्पना के आधार पर डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया और संविधान सभा ने पास किया पास करने के बाद देश में लागू हुआ अब आप देखिए हमने एक पर्चा जारी किया था भारत बचाओ संविधान बचाओ मंच के नाम से एक जनवरी 2017 से हमने बिहार से लेकर केरल तक जहाँ जहाँ कार्यक्रम में गए पर्चा हम फोटो कापी करा करा के पर्चा छपा के बांटते रहे लेकिन लोगों के समझ नहीं आया लोग कारण यह है कि लोग देश के बारे में कुछ सोचते ही नहीं हैं पेट के बारे में सोचते अपने परिवार तक सीमित हैं इसके बाद समाज और देश से कोई मतलब नहीं, नहीं है लेकिन जब मोदी सरकार द्वारा एक एक घटना होना शुरू किया तब लोग परेशान होना शुरू किए और उसके बाद कहे कोई कहता देश बचाओ कोई कहता संविधान बचाओ कोई कहता और संविधान बचाने का नाम लेते लेते पता ये चला कि 9 अगस्त 2018 को संसद सत्र के दौरान जंतर मंतर पर विरोधियों ने वीडियो बना के वायरल किया संविधान के प्रति जलाया अब आप ये बताइए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री पूरी कैबिनेट देश के सभी सांसद और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सारे न्यायालयों के न्यायाधीश ये संविधान की कसम खाते हैं और जिस बात की कसम खाते हैं वही अगर जल जाए तो ये जिंदा हैं इसका मतलब ये सब मरे हुए लोग हैं संविधान अगर सुरक्षित नहीं है तो देश कहाँ सुरक्षित है और तो जो लोग इस इस अहंकार में है कि हम संविधान को खत्म करके देश में अपना शासन कर लेंगे वो बृहदर्द मौर्य का समय नहीं है आज विज्ञान का समय है देखिए संविधान की आपने बात कहा हाँ। अभी टीवी चैनल पे बहुत बड़े बड़े संत को बैठाया जा रहा है और वो कहते हैं कि संविधान से आज तक न किसी का भला हुआ है और न कभी भला होगा और ये संविधान से देश कभी भी हिंदू राष्ट्र भी नहीं बनेगा और वो एग्जाम्पल देते हैं कि बाबा साहब ने खुद इस बात को कहा था कि इस संविधान से समाज का भला नहीं होने वाला है अगर मुझे अवसर मिले तो मैं इस संविधान को जलाने वाला पहला व्यक्ति हूँगा वो लोग इस बात को कहते हैं तो इस पर आप क्या कहेंगे देखिए जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि इस संविधान से कोई भला नहीं होगा अगर अवसर मिले तो हम जला देंगे वो टोटल फ्रॉड हैं वो देश के बेईमान और गद्दार लोग हैं कोई भी हो चाहे वो यस्सी का हो चाहे शंकराचार्य हो चाहे महंत हो या किसी तरह का वो तो महामूर्ख है और वो बदकली से ये सारी भाषा बोल रहे हैं संविधान अगर जिस दिन ख़त्म हो गया उस दिन ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं इनका मोहन भागवत कहता है कि हिंदू न कोई जाति है न कोई धर्म है तो है क्या ये लुटेरों की संस्कृति है ये डकैतों अपराधियों की संस्कृति कायम करना चाहते उससे देश बचेगा इतना आसान है और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं ये बृहद मौर्य का समय नहीं है ये विज्ञान का समय है पूरी दुनिया की निगाह भारत पर है ऐसा नहीं है कि दुनिया नहीं देख रही अभी देखे बीबीसी के मैटर पर और और वो जो एकदम वर्ग वो उसने जो दिया है सबके हालत तो ख़राब है अब अडानी को बचाने में मोदी को पसीना आ रहा है हम एक बात कहते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और जब सत्ता हस्तांतरण हुआ है उस समय देश बिल्कुल भरा पूरा था सारे संस्थान सब एकदम संपन्न चल रहे थे कोई दिक्कत नहीं थी बड़े आराम से था और उसके बाद मोदी के आने के बाद कैसे धीरे धीरे ख़त्म हो गया और एक घटना याद कीजिए 2014 में मोदी के सत्ता बनने के बाद दिल्ली में आरएसएस के नेतृत्व में हिंदूवादी संगठनों का सम्मेलन हुआ और दूसरे दिन अखबारों में आया मोहन का नाम है विश्व हिंदू परिषद का जो थे अब तो मर गए अशोक सिंघल उनका बयान आया कि भारत में हिंदू शासन नौ वर्षों के बाद हिंदू नौ सौ वर्षों के बाद हिंदू शासन आया है मतलब इस्लाम का शासन अंग्रेज का शासन और इधर बाद का शासन ये हिंदू शासन नहीं मानते हैं नौ सौ वर्षों के बाद हिंदू शासन आया है तो उस दिन लक्ष्य निश्चित कर दिया आर ने कि नौ वर्षों के पूर्व जो भारत की स्थिति थी उसी स्थिति पर पहुंचाने का लक्ष्य निश्चित कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बता दिया गया कि आपको देश का सर्वनाश करना है इसलिए सारे संस्थान को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं पाँच लाख करोड़ के संपत्ति जो भारत सरकार का सरकारी उपक्रम है उसको एक लाख करोड़ में किस आधार बेच रहे हो और वो भी सरकारी बैंकों से कर्जा भी दे रहे हो और ले रहा अब अडानी को सब जो आदमी 609 पोजीशन पे था 2014 के पहले और कैसे वो विश्व का दूसरे नंबर का पूंजीपति हो गया ये सब डकैत नहीं है अपराधी नहीं लुटेरे नहीं तो हैं क्या ये लोग अपने इस भारत को अपना देश मानते ही नहीं हैं ये आर के लोग भाजपा के लोग या तो मूर्ख हैं और या तो अपने को विदेशी मानते हैं और विदेशी मानकर ही देश की व्यवस्था को एक एक करके खंड कर रहे हैं ये जितना भी इनकी योजना है वैसे ये ईमानदारी से जनता के द्वारा चुने हुए हैं हाँ ही नहीं चौ बारह लोग ई वी एम हैंग करने में थे उसमें एक सैयद सूजा भी था और इनका कैबिनेट मिनिस्टर जिसको शपथ दिलाए थे गोपीनाथ मुंडे उसको बंगले पर साजिश करके हत्या कर दिए और हत्या करने छिपाने के लिए गाड़ी में लाद कर प्राइवेट गाड़ी से एक्सीडेंट दिखाते हैं अब आप ये बताइए कैबिनेट मिनिस्टर निकल रहा है तो वहाँ पे जी रखा रहता है कितने बजकर कितने मन, आ, मिनट पर ये गाड़ी एयरपोर्ट के लिए जा रही है कौन कौन सिक्योरिटी है वो कहीं दर्ज नहीं है और दूसरी प्राइवेट गाड़ी से एक्सीडेंट दिखा के समाचार प्रसारित किया गया कि गोपीनाथ मंडे अपने गृह राज्य महाराष्ट्र जाते समय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के लिए निकले उसके बाद फिर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया उनकी मृत्यु हो गई जब मीडिया ने विरोध किया तब मोदी ने आदेश दिया कि सीबीआई जांच करेगी आज तक सीबीआई जांच नहीं कर पाई ये कौन सी सीबीआई है जांच तो करना नहीं चूँकि संघ और बीजेपी के लोग उस साजिश में संलग्न थे क्योंकि ईवीएम हैक जो हुआ था उसमें उसके नेता वो थे नियुक्त किया गया था सैयद सुजा ने तो लंदन में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गोली उसको भी मारे थे बाकी तो सब मार दिए गए ग्यारह एक बचा वो भाग के लंदन में गया प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के कपिल सिब्बल भी गए थे ये सारी घटना है और इसके बाद अब चुनाव आयोग में वही आदमी आयुक्त बनाया जाए तो महाबेईमान हो महाबेईमान हो किसी की ना सुने अब आप देखिए 2019 का चुनाव हुआ है 19 लाख ई मशीन गायब हो गई कहाँ गायब हो गई ये गायब सारी बेईमानी के द्वारा सत्ता हासिल किया दो में नहीं तो ये सौ सीट नहीं जीत पाते अब आप बताइए जो रखवा रखवारी के लिए रखा गया वो चोर है तो चोरी बंद होगी ये अब आप देखिए वहाँ क्या नाम है गुजरात का भी चुनाव चल रहा था तीन राज्यों का और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई आनंद फानंद में 24 घंटा नहीं लगा आप एक आयुक्त की नियुक्ति कैसे कर दिया ये सारी बेईमानी की पूरी साजिश है और देश को ये फूंकने के लिए तैयार हैं और सारा धन लूटकर ये विदेशों में जमा कर रहे हैं चौरासी हज़ार करोड़ का लंदन में इंग्लैंड में इसने अडानी ने ज़मीन एक टापू खरीद लिया है ये सब भगेंगे देश छोड़कर कर भगेंगे और ये देखिए चीन के ख़िलाफ़ में ये बोल नहीं रहे हैं कि प्रधानमंत्री बोले कभी नहीं बोले और बोले किसी ने कोई ज़मीन नहीं कब्जा किया चीन का नाम लेने में जैसे ही है उसको अपना पति मानते हैं जैसे हिंदू संस्कृति में है कि औरत जो है अपने पति का नाम नहीं लेती तो उसी तरह काम मोदी ने किया है चीन का नाम नहीं लिया और 20 जवान हमारे शहीद हो गए उसको उसका कहीं कोई जिक्र नहीं ये सारी चीज़ है और चीन के सुपुर्द एक देश को करने जा रहे हैं ये हमारा मानना है जी चीन भारत की सीमाओं पर अपना चौकी लगा दिया है पाकिस्तान को उसने मिला लिया हर जगह अपनी लड़ाई का स्कीम तय कर लिया है कि हम कहाँ से हवाई हमला करेंगे कहाँ क्या करेंगे ये सारा चीज़ उसने कर लिया है तो चीन को देंगे लेकिन एक बात और भी है जी चीन का कब्जा होगा तो ये जितने धूर्तबाज हैं ये बचेंगे भी नहीं ये भी आ, आज तो ये शंकराचार्य में ये सारा की वो तो कहेगा तू कौन है कहीं हिंदू कहीं गोली खा कहीं तू कौन है कहीं मठाधीश कहीं गोली खा वो वहाँ पे ये बकवास नहीं चलेगा वहाँ आप देखिए चाइना भारत से दो साल पहले बाद में आज़ाद हुआ पूरे विश्व का एक शक्ति बन गया ना और भारत एक ऐसा अनोखा देश जहाँ जलवायु खनिज संपदा और तीन तरह का मौसम गर्मी बरसात ठंडक के तीन तरह का मौसम होता है और इतना संपन्न प्राकृतिक संपदा से इतना संपन्न देश ये बार बार ये ग़ुलाम क्यों हो जाता है गुलाम इसलिए हो जाता है ये जितने ब्राह्मण हैं ये अपने को भारत का नागरिक मानते ही नहीं हैं चाहे जहाँ बैठे हों वो अगर नागरिक मानते तो हम तो चैलेंज के साथ कहते तुम्हारे अंदर अगर लोगों के प्रति नफरत है तो इसका मतलब तुम गंदी सोच रखते हो आखिर क्यों सोच रखते हो तुम अपना भाई नहीं मानते हो पैदा होने के अब एक से एक ये जो साधु संत हैं या कुछ शंकराचार्य इतने बेहूदी किस्म के हैं वो कहते हैं कि अब रामचरित मानस में लिखा है कि अधम ते अधम अधमारी ता मत मय मत मंद गंवारी ये औरतें जो है नीच से नीच महा नीच है लेकिन इन कमीनों से पूछो ये बोलने वाले कोई आसमान से गिरा है सब औरत से पैदा हुई है कि नहीं पैदा हुई है क्या आसमान से गिरे हैं नहीं वो तो वो लोग तो मुख से पैदा हुए हैं ना कौन वो ना, ना वो अच्छा एक बात बताइए पूरी सृष्टि का नियम है दो के मिलने से तीसरा पैदा होता है औरत मर्द के मेल से बच्चा पैदा होता है लेकिन पैदा होता है औरत से पुरुष से कहीं पैदा नहीं हुआ अगर पुरुष से बताया गया तो ये गप है बेतुकी की भाषा बोल रहे हैं कि औरत मर्द के मेल से बच्चा पैदा होता है तो पैदा औरत से होता है पुरुष से पैदा हो गया कैसे पैदा हो गया ये बेतुकी नहीं बेतुकी हाँ, की बात है, ओ, कह रहे हैं ना मनु महाराज नहीं बिना दो के तीसरा पैदा नहीं होता है इसका मतलब दूसरे ने संसर्ग किया तो पैदा हो गया चलो यही मान लो ये सब झूठ है फिर आप विष्णु देखिए विष्णु के नाभि से कमल निकला कमल से ब्रह्मा पैदा हुआ ये झूठ है कि नहीं है जब उसके सरस्वती से सरस्वती से दिखा देता सर एक बच्चा पैदा हो गया ब्रह्मा अब इसका मतलब पूरी काल्पनिक कहानी है सब झूठ पर लिखा गया है इतना अप्राकृतिक अमानवीय दृष्टिकोण पूरे विश्व के किसी धर्म में नहीं है और अब अब एक देखिए मोहम्मद साहब को बिना एक भगवान के काम नहीं चला तो उन्होंने एक अल्लाह बना लिया कि अल्लाह है जो पूरी दुनिया बनाया है चलो भाई ठीक है बिना भगवान के काम नहीं चला ईसा में अच्छा लेकिन अल्लाह का कोई फोटो कोई मूर्ति पूरे दुनिया में है मोहम्मद साहब का फोटो मूर्ति कहीं दुनिया में है नहीं है ना न मस्जिद में है ना उनके घरों में है किसी के अच्छा दूसरी बात देखिए ईसा मसीह का भी बिना भगवान के काम नहीं चला और उन्होंने कहा कि गाड है जिसने पूरी दुनिया बनाई है अच्छा तो लेकिन गाड का कोई फोटो नहीं है और गाड के बीबी बच्चे भी नहीं हैं ना अल्लाह के बीबी बच्चे हैं अच्छा फिर तीसरा धर्म है बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म का क्या है बुद्ध के जाने के बाद उनकी विचारधारा को संकलित करके लोगों ने बौद्ध धर्म बनाया तो ये तो निश्चित है कि बुद्ध की विचारधारा को संकलित करके बनाया ये तीन धर्म है चौथा धर्म आप देखिए जो अपने को कहते हैं आर्य इनको भगवान बनाना हुआ चलो भाई बिना भगवान के उनका नहीं काम चला दो लोगों का तो तुम भी एक भगवान बना लेते तो इनको बनाना हुआ तो एक भाई तीन भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश और तीनों की पत्नियां बना दिया तीनों के और बच्चे बना दिया और तीन भगवान से भी काम नहीं चला तो तेरा भगवान और बना दिए राम है कृष्ण है नारद है फलाड़ है ढका फिर मनुष्य के रूप में भगवान बनाया तो जानवर में भगवान बना दिया ये सुअर भगवान है और जानवर के बाद तो फिर कीड़े मकोड़े जो हैं नदी में पानी में रहने वाले जितने हैं उसमें ये कच्छप भगवान है ये सांप भगवान है ये मछली भगवान है अब बताइए ये क्या है ये बहुत बेहूदे किस्म के लोग हैं ये मा ये मनुष्य है ही नहीं अपने को मानते नहीं है ये सब बेईमान हैं ये कहते हैं ना गाय हमारी माता है कोई पूछता नहीं है लेकिन इतने बेशर्म है कहते हैं गाय हमारी माता है तो हम कहते हैं आप पूरी बात बता दो कहो गाय हमारी माता है साण हमारा पिता है बैल हमारा चाचा है भैंस हमारी मौसी है भैंस हमारा मौसिया है गधी हमारी दादी है गधा हमारा दादा है और भेड़ी सुअर भे, हमारा आज पुरखा भेड़ी भेड़ा मुर्गी मुर्गा दूर के रिश्तेदार हैं कहने में क्यों शर्माता है अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे गाय माता उनकी माता गाय थी ये ईमानदारी से कोई बात नहीं करते हैं ये गाय माता नहीं है ये बीजेपी के लोग कहते हैं गाय हमारी माता फिर कर्नाटक में जब चुनाव होता है तमिलनाडु में केरल में तो कहते हैं बीफ की कोई कमी नहीं आने पाएगी यही भाजपा के लोग बोलते हैं हैं और नागालैंड मिजोरम में कहते हैं बीफ की कोई कमी नहीं आएगी बीफ कहाँ से आएगा नौ सलेटर हाउस पूरे भारत में है बड़े बड़े जिसमें दो स्वर्ण मुसलमानों के हैं और और साथ जित जि, जो हैं सवर्ण हिंदुओं के सब आर एस बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं ये देश के गद्दार लोग हैं ये देशभक्त हैं ये नहीं है और इनका मोहन भागवत अभी देखो बयान आया कि हमारे पूर्वजों ने जो गलती कर दिया उसको छोड़ दीजिए अरे गलती कर दिया छोड़ दीजिए तो आप ऐलान करो कि जितने वेद पुराण स्मृति रामायण गीता महाभारत जितनी पुस्तकें हैं ये सब को देश के ब्राह्मण जला दें क्यों नहीं ऐलान करता है वो बकवास करता है अभी बिहार का चुनाव जब हुआ था 2015 में तब इसने बयान दिया आरक्षण ख़त्म होगा और उसके बाद जब समीक्षा किए तो फिर आरक्षण के पक्ष में बोलना शुरू किया ये गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं ये 900 वर्षों के पूर्व की स्थिति में भारत को पहचाने पहुंचाने के लिए सारे कुकर्म करने के लिए तैयार है और है कुछ नहीं और राम मंदिर राम मंदिर बनाने की बात ये करते हैं ये देश को बनाने की बात कोई नहीं करता है अच्छा बताइए मंदिर बनाने से क्या होगा वो घंटा बजा के सब जीवित रहेंगे खाना पानी रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई दवाई हो जाएगी लेकिन नहीं बकवास करते हैं और आप देखिए इनकी जो कमेटी बनी है टोटल ब्राह्मण है एक ठो चमार रख दिए कोई दलित है वो भी उनका कोई गुलाम होगा जूता साफ़ करने वाला बाकी बा, बाकी सब के क्या हैं राम मंदिर के नाम पर और एक चीज़ ये भी है जो कहते हैं हम राम के वंशज हैं तो उनको समझ लेना चाहिए राम को हम नहीं कहते रामचरित मानस में लिखा है परशुराम लक्ष्मण संवाद होता है और धनुष टूटने के बाद तो परशुराम कहता है कि भुजबल भूम भूप बिन की नहीं विपुल बार महिदेवंदी नहीं हमने एक बार नहीं किस बार छत्रियों का विनाश कर दिया तू कहाँ से आ गया लक्ष्मण को डांटता है ना इसका मतलब क्या है और उसी रामचरित में लिखा है कि ये विधवा छत्राणिया परशुराम के पास गई रोई सिपारस की तो इनको पुत्रदान दिया और ब्राह्मणों को आदेश दिया कि पुत्र दान दीजिए तो ब्राह्मणों को आदेश दिया कि इन छत्राणियों के सामूहिक सामू, संभोग करो उससे जो बच्चा पैदा हुए छत्री हो गए हम नहीं करें रामचरित मानस में पूरा लिखा है और जाति वायज उसमें गाली लिखा है ठाकुर जो अपने को बन रहा है छत्री बन रहा है और उसके बाद सीता को भगाया पूरे देश के अंदर उसकी बहन बेटी भगाता है कौन भगाता है रावण किसको बनाया ब्राह्मण को ये उसका अपमान है लेकिन वो ना समझी में वो कह रहे हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं अब हिंदू बने हैं घूम रहे हैं अब कौन सा हिंदू है हम तो कहते हैं ये पिछड़े वर्ग ये जितने अरे था कहे तो हिंदी तो ठीक है लेकिन कहते गर्व से कहो हम हिंदू हैं हम पूछते भाई कौन सा हिंदू हो आप बता दो अपना परिचय हम कहते हैं भाई आप मनुष्य बनिए इंसान बनिए एक दूसरे की इज्जत कीजिए एक दूसरे की मदद कीजिए सबके दुखों का निवारण होता रहेगा लेकिन कहते नहीं हम हिंदू बन गए तो कहते भाई ठीक है आप हिंदू बन जाओ मुसलमान बन जाओ बेईमान बन जाओ शैतान बन जाओ हैवान बन जाओ ये तो आपकी बीमारी है आप जो बनना चाहो बन लो लेकिन हम संत हैं हम कहते हैं कि भाई आप इंसान बनिए मनुष्य बनिए एक दूसरे की इज्जत कीजिए एक दूसरे की मदद कीजिए सबके दुखों का निवारण होता रहेगा लेकिन कहते नहीं हम हिंदू बन गए हम कहते भाई अपनी जाँच कर लो कौन सा हिंदू बने हो लात खाने वाला हिंदू बने हो कि जूता खाने वाला हिंदू बने हो कि लाठी खाने वाला हिंदू बने हो या गोली खाने वाला हिंदू बने हो या अपनी माँ बहन बेटी का बलात्कार करवाने वाला हिंदू बने हो हिंदू तो नंबर एक पर पूरे भारत में ब्राह्मण है दूसरे नंबर पर छत्री बन रहा है उसके औकात देख लो और ज़बरदस्ती कहाता हमारा धर्म का ग्रंथ है अब कोई अब बताओ कोई जूते की माला पहन ले और कहे हम भगवान हैं हम हम बहुत महान हैं तो महान बना रहे हमको उससे कोई लेना देना नहीं है लेकिन जो सच है विज्ञान को कोई नकार नहीं सकता विज्ञान को नकारने वाले खुद ख़त्म हो जाएंगे और दुनिया विज्ञान में बहुत आगे चल चल रही है ये जितने कह रहे हैं भगवान ने बनाया है शंकराचार्य जो जितने भी हैं मोहन भागवत ये पूरी मंडली जितने हैं ये काहे है गाड़ी चलते हैं क्या जरूरत है एस जी सुरक्षा लेके चलने की भगवान उनको बचा लेगा 2014 के बाद एस सुरक्षा उसको मिली किस आधार पे वो राष्ट्रपति रहे

दस हजार उसकी सेना थी अस्सी हजार राणा सांगा की हार सेना क्यों हार गई ये सब झूठ बोलते हैं अगर ये विज्ञान बहुत ज्यादा था तो ये देश के पूरे विश्व के मालिक हो जाते ये कहीं कुछ नहीं है जबरदस्ती कहते हैं हाँ, चुरा के ले गए सब चुरा के नहीं ले गए इनको जुतिया के ले गए और कहीं कुछ नहीं है इनके ये वेद पुराण स्मृति के आधार कोई देश चलाएगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा बाकी कुछ नहीं है इसीलिए वो सारी किताबें जो लिखी है अब आप देखिए पूरे धर्म ग्रंथों का निचोड़ यही है कि जितने वेद हैं जितने भगवान हैं वो क्या हैं मंत्र के अधीन है और सारा मंत्र ब्राह्मण के अधीन है इसका मतलब पूरा देश ब्राह्मण का गुलाम है भगवान भी ब्राह्मण का गुलाम है कि तो ब्राह्मण के लिए ही सारा धर्म बना हुआ है ब्राह्मण की मजबूती बाकी सबका शोषण अपमान और तिरस्कार और दमन इसके अलावा कोई धर्म है हाँ नहीं धर्म नहीं है धोखाधड़ी है आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए इससे अपना देश जो है वो विनाश हो जाएगा हिंदू का मतलब काफ़ी लोग पहले से ये कह रहे थे कि हम हिंदू हैं हम हिंदू हैं जब हिंदू धर्म का अर्थ कुछ लोगों को पता चला कि हिंदू तो खुद हिंदी नहीं है तो फारसी शब्द है और हिंदू का मतलब होता है चोर डकैत बेमान ये सारा उसका मतलब है जब ये बात उन लोगों को पता चला तो अब वो कहने लगे हैं कि हिंदू धर्म नहीं है ये सनातन धर्म है सबसे पुराना धर्म है तो इस पे आप क्या कहेंगे नहीं सनातन धर्म की जो बात कर रहे हैं सनातन माने क्या अज्ञानता सनातन माने पुराना पुराना माने पूरी दुनिया अज्ञान पर पहले चल रही थी तो अज्ञानता वाला है आज हम ज्ञान के से आगे बढ़ के विज्ञान पे चल रहे हैं तो अज्ञान की बात हम क्यों लेके चलेंगे भाई तो सना, अज्ञा... कैसे अज्ञान था जब जब दे... कोई जानकारी नहीं थी कैसे कर रहे हैं आप नहीं सनातन माने नहीं नहीं वो लोग कहते हैं कि जो आज ऑपरेशन होता है या किसी चीज़ को कटे को जोड़ना होता है ये तो आप उनसे धर्म ग्रंथों से ही लाया है क्योंकि उस समय गणेश जी का जो सर जोड़ा गया था हाथी का देखिए वो कितना बड़ा टेक्नोलॉजी था आज तो है ही नहीं वो जी वो टेक्नोलॉजी नहीं है वो उनकी बेवकूफ़ी है बाकी कुछ नहीं है अपनी मूर्खता को समाज के ऊपर थोपना अब आप ये बताइए जो कल्पना किए हैं कि क्या नाम है शंकर का जो लड़का था उसका गर्दन काट दिया गुस्से में आके उसने रोका और गर्दन काट दिया और तीनों लोग का मालिक त्रिनेत्रधारी तीनों लोग को देखने वाला वो इतना बेहुदा हो गया कि अपने बेटे के सर नहीं देख पाया ये सब झूठ की दुकानें हैं अगर तीन लोग देखता है तो अपने बेटे को देख लाकर नहीं देखा अपनी पत्नी को नहीं देख सकता अपने बेटे को नहीं देख सकता है तो बताओ तीन लोग का मालिक है कि बेवकूफ़ नंबर एक है।, है और फिर एक बात बताइए ये टेक्नोलॉजी नहीं है एक आदमी के बच्चे के भर, उस पर लड़के के इतना मोटा होगा और हाथी का कैसे जुड़ गया ये मतलब ऐसा ढंग से पेश करते हैं कि उसको मानने वाला बिल्कुल बुद्धि से खत्म हो जाए और कुछ नहीं बुद्धि लगाने लायक न रह जाए तो जितने पूजा करने वाले सब यही हैं जी एक क्वेश्चन करके हाँ। खत्म करते क्योंकि शुक्र अच्छा अभी एक बाबा काफ़ी फेमस हो रहा है हाँ। बागेश्वर धाम वाले बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री और उनका दावा है कि वो चमत्कार से किसी के भी बीमारी को पहले ही वो पर्चा में नोट कर लेते हैं और उनके पास कुछ मंत्र होता है उस मंत्र से उस बीमारी का समाधान भी कर देते हैं और वो कहते हैं कि हमारे ऊपर साक्षात हनुमान जी की कृपा है जिसके कारण हम किसी के भी, भी बीमारी को पहले ही जान लेते हैं और उसका निवारण कर देते हैं और उसके दरबार में जितने भी सारे लोग गए रहते हैं वो उनका भी दावा होता है कि हाँ सच में मेरा वो इलाज हो गया तो इस बात में कितनी सच्चाई और एक बात और मैं जोड़ देता हूँ ताकि आप एक ही बार में लेके इसको बोल दीजिएगा कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ उनका जिसमें वो कह रहे थे जितने जो भक्त आए हैं उनको पागल बोल रहे थे कि ये सारे पागल हमारे यहाँ आ गए हैं जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि भाई आप भक्तों को पागल क्यों बोल रहे हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि पागल का मतलब होता है ईश्वर की भक्ति को पाकर जो गल जाता है उसको पागल बोलते हैं तो इस पर आप क्या कहेंगे और बागेश्वर धाम में क्या चमत्कार इस पर आप क्या कहेंगे देखिए बागेश्वर धाम का हो चाहे जितने धाम बनाए हैं सब झूठ और पाखंड फैलाने का एक केंद्र है एक सुनियोजित साजिश है जैसे चिन्हित आदमी को कर देते हैं कि वो पर्ची लाएगा या पर्ची भिजवाएगा या उसे कहेंगे तुम्हारा ये प्रश्न है वो सब उनके चिन्हित आदमी रहते हैं बाकी कहीं कुछ नहीं झूठ फ्राट के अलावा कहीं कुछ नहीं चमत्कार ये सब झूठा है ये सब कहीं संघ द्वारा प्रायोजित हैं सब आर के द्वारा ये सब प्रायोजित वो आर का चैनल तरह तरह के चल रहा है साधु के रूप में बोलने वाले राम रामचरित मानस का प्रवचन करने वाले तरह तरह के लोग हैं ये सब झूठ फ्राट की खेती कर रहे हैं कहीं इनके अंदर कोई सच्चाई नहीं है उससे मानव का क... हमारा मकसद है कि मानव का कल्याण क्या उससे है उस रास्ते को ये क्यों नहीं बताते हैं उस व्यवस्था को क्यों नहीं मजबूत करते हैं शिक्षा पे तो कोई बात नहीं बोल रहे हैं कि हम शिक्षा की व्यवस्था कैसे करेंगे पागल की बात नहीं कुछ नहीं है पागल माने यह है कि मूर्ख हो जाए जाहिल हो जाए वो अपने को ख़त्म कर ले अपने को मनुष्य न माने वो गुलाम हो जाए इसीलिए हनुमान की बात कर रहे हैं ना तो इस तरह पागल बना रहे हैं अब आप देखिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ये ये क्या है ये मूर्खों और बदमाशों की गैंग है अब आप बिना कटियार थे वो बहुत बड़ा हनुमान के पुजारी हुए थे और किनारे लगा दिए गए कल्याण सिंह रहे उनको कुर्सी से हटा दिया उमा भारती हैं इस समय कुछ नहीं है जितने लोगों को पोज किया था कि हम सत्ता में पहुंचा दो बस उसके बाद तब तो हम सबको ख़त्म करेंगे और एक चीज़ देखिए आरएसएस का एक चरित्र है जिससे काम लेता है उसको रास्ते से हटा देता है गांधी को आगे करके देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ा वो उसमें सारा चीज़ सत्ता हथियारने के बाद गांधी गोली मार दिया इंदिरा गांधी से रामचरित मानस मेले का आयोजन करवाया और उसके बाद फिर आर एस एस और कांग्रेस बीजेपी के खड़ेंध से इंदिरा गांधी की हत्या हो गई फिर राजू गांधी से क्या नाम है शिलान्यास करवा दिया और बम से उड़वा दिया और एक चीज देखिए इतने ये बेसरबी इनकी देखिए राहुल गांधी राजू गांधी के जो हत्यारे थे उनको इसने कोर्ट के द्वारा क्लीन चिट दे दिया कि जाओ अब दोष मुक्त हो अब इससे ज़्यादा बेहूदगी और कौन करेगा भाई है ये देश के गद्दार लोग हैं कि देशभक्त लोग हैं इनसे ऐसे लोग देश चलेगा ये सब देश को लूट रहे हैं देश को बेच रहे हैं देश को बर्बाद करके देश छोड़कर भागने वाले हैं अब देश के लोगों की ज़िम्मेदारी है कि अपना बचो और देश को बचाने के लिए एकजुटता पैदा करो और एकजुटता पैदा करने के लिए एक ही आधार है मानो मानव की इज्जत करें एक दूसरे के सुख दुख का साथी बने और लामबंद हो देश को बचाने के लिए और नहीं तो देश का सर्वनाश तो ये लोग कर ही देंगे क्योंकि इन लोगों का लक्ष्य है कि 900 वर्षों के बाद हिंदू शासन आया लुटेरों का नौ वर्ष में जो और सरकारें आई हैं मुसलमानों का तो वो मानवता पसंद था यहाँ के लोग परेशान लोग इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिए परेशानी से बचने के लिए फिर अंग्रेज आया सब अंग्रेज, सब ने अंग्रेज ने पूरे देश में व्यवस्था किया अंग्रेज ने व्यवस्था दिया और उसने उस इनके कानून पर पाबंदी लगाया जिंदा जलाने का उस पर पाबंदी लगाया सती प्रथा का पाबंदी लगाया काशी करवट एक था कुआं बनाए थे और उसमें ले जो स्वर्ग में जाने के लिए अपना गठरी उठी लेके जाते थे और रखवा लिया उसके बाद फिर उस पर डाल दिया नीचे भाला फरसा था अंग्रेज ने जब देखा उसको जानकारी हुई उसने पाबंदी लगा दिया इनके सारे पाखंड पर बदमाशी पर पाबंदी लगाया तब इन्होंने और ये भी है कि कलकत्ता में एक ब्राह्मण को फांसी जब दे दिया तब इन्होंने कहा विरोध किया तो कहा ना अन्याय कोई करेगा हम किसी को बख्शेंगे नहीं और उसके बाद फिर इन्होंने एक प्रस्ताव भेजा कि ब्राह्मण को न्यायपालिका में जगह दिया जाए तो उसने नोट लगा के खारिज कर दिया कि ब्राह्मण के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता इसलिए न्यायपालिका की कि किसी जगह पर इसको नहीं रखा जा सकता है अब आज पूरे देश की न्यायपालिका पर देखिये नब्बे पंचानबे फीसदी तो ब्राह्मण ही बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम क्या है यह बेईमानी का सिस्टम है वही सुप्रीम कोर्ट एक बार जजमेंट देता है काल्पनिक पुस्तक है वही सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर को आस्था के नाम पर वो डिग्री दे देता है तो बताओ सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट तो थुक के चाट रहा है और वही सुप्रीम कोर्ट एक बार लगाया कि पचास फीसदी से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है और उसके बाद फिर दस फीसदी सवर्णों का आरक्षण की बात कैसे मान लिया स्वीकार कर लिया तो ये थुक् के चाटने वाले लोग हैं ये कुछ भी कर सकते हैं इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बाड़ी पर विराम देते हैं हम कहते हैं कि साहेब बंदगी दिमाग से निकाल लोगे पाखंड और ब्रह्मजाल रूपी गंदगी तभी सुधरेगी जिंदगी नई जिंदगी बर्बाद है बेहतर मानव जीवन जीने के लिए आप पाखंड को त्यागिए भ्रमजाल को काटिए और बन जाइए शुद्ध रूप से मानव मानव बनकर एक दूसरे की इज्जत कीजिए एक दूसरे की मदद कीजिए सबके दुखों का निवारण होता रहेगा सब सुखी रहेंगे और अगर मानवता के विरुद्ध जो भी जाएगा चाहे जितना ज्ञानी हो वो सब प्रताड़ित होंगे परेशान होंगे घुट घुट कर मरेंगे कोई बचाने वाला नहीं है इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बाढ़ी विराम देते हैं जय भारत जय संविधान जय विज्ञान जय अर्जक जय शोषित जय भारत